नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आप देख रहे होंगे शाही आयुर्वेदिक खानदानी दवाखाना। ये दवाखाना यहाँ पर टेंट लगाया गया है और सामने से बैनर दिखाइए, शाही आयुर्वेदिक खानदानी दवाखाना। हमारे दवाखाने कैंप पर वैद्य जी नाड़ी देखकर स्त्री पुरुष के गुप्त रोगों का इलाज गारंटी से करते हैं, कीमत ठीक होने पर लेते हैं। पुरुष के रोग, पेट में गैस, खट्टा पानी, लीवर कमजोर, नपुंसकता, धातु वीर्य पतला, स्वप्न दोष, नामर्दी रुकावट, कम इंद्री कमजोर। स्त्री के रोग, सफ़ेद पानी, लिकोरिया, वायु प्रसूत, महावारी में खराबी, पेड़ों में दर्द, शरीर में कमजोरी व अन्य बीमारियां जैसे गठिया, नजला, सफ़ेद दाग, खूनी बवासीर, हाइड्रोसील। इन सभी बीमारियों का इलाज देसी जड़ी बूटियों, काढ़ा, कीमती भस्मों व पाक द्वारा वैद्य जी गारंटी से करते हैं। मिलने का समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक व शाम 4 बजे से 8 बजे तक। नाड़ी फीस 20 रुपया। निसंतान स्त्री पुरुष वैद्य जी से मिले तो आप लोग देख रहे हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, जो MBBS के बाद MD वगैरह कोर्स करके जो महिलाएं स्त्रियों का इलाज करती हैं, वही ये वैद्य जी करते हैं। इसके अलावा जो पुरुषों के रोग होते हैं, जो मेल डॉक्टर्स होते हैं फिजिशियन, वो MBBS और MD करने के बाद स्पेशलिस्ट बनते हैं, पुरुषों के रोग इलाज करते हैं, वही ये वैद्य जी करते हैं। थोड़ा सा अंदर से दिखाइए, अंदर से दिखाइए। हाँ, आओ आओ आओ, वैद्य जी से बातचीत करते हैं, जो यहाँ पर खुद को वैद्य जी बता रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या इनके पास कोई डिग्री है, इनका ID प्रूफ भी देखेंगे, इनकी डिग्री भी देखेंगे, ये भी पता करेंगे इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज करने लगे, दवाइयाँ देने लगे, इनकी दवाइयाँ कहाँ से आती हैं, क्या वो असली दवाई हैं, नकली दवाइयाँ हैं, क्या कोई कंपनी का ट्रेडमार्क है, कोई रैपर है, कोई लोगो है उस पर, या ऐसे ही खेल चल रहा है। आपको हर चीज़ के बारे में हम जानकारी देंगे। तो यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, ये लड़का है और ये भाई साहब हैं और ये मैडम जी हैं। भैया नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, ऐसे बातचीत करो, नमस्कार। हाँ, ऐसे बातचीत, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश कहाँ रहते हैं आप? यूपी मुरादाबाद। यूपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तो यहाँ से, यहाँ पर टेंट आपने कब लगाया? ये यहाँ पर हो गए हमको 4 महीना। जो यहाँ के डॉक्टर साहब या वैद्य जी, आप ही वैद्य हैं? अच्छा, वैद्य हैं आप? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से पढ़ाई की आपने? पढ़ाई नहीं किया, हमारा दादा इलाही काम है। अच्छा, दादा इलाही काम, दादा इलाही आपके काम। दादा यही काम करते होंगे, फिर आप करते हैं? हमारे परदादा, लगरदादा यही काम करते हैं। हम तो ये आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं की आपने, कोई डिग्री नहीं लिया? नहीं 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 नहीं, हमारा दादा इलाही काम होता है। अच्छा, आपको कोई ID प्रूफ दिखाइए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड? गाँव में है सर हमारा। आप अपने साथ कुछ लेकर नहीं चले? नहीं नहीं नहीं, हमारा दादा इलाही काम। अगर पुलिस यहाँ पर आ जाए, आपसे पूछे कि क्या ID प्रूफ है, आप कहाँ से आए हैं, भारत से हैं, पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, चाइना से हैं, तो क्या सबूत दोगे आप? सबूत ये कि हम गांव को फोन मिलवा देते हैं, पता चल जाता है। आधार कार्ड वगैरह? भैया इतने बड़े डॉक्टर हैं आप, शाही आयुर्वेदिक दवाखाना। इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओ, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ, आओ आओ, सामाजिक काम है, शर्माओ मत। अच्छा ये बताओ, ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, शाही आयुर्वेदिक खानदानी दवाखाना, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों की इलाज करते हैं, इनका ID प्रूफ होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने टेंट लगा दिया, सरकारी जगह है, MCF की जगह है और मेन स्थान है, दुर्घटना भी यहाँ पर होती रहती है। अब टेंट लगा दिया लेकिन इनके पास ID प्रूफ नहीं है। अब फरीदाबाद नगर निगम भी चेक नहीं करता कि ये लोग कौन है, कहाँ से आ गए हैं, डॉक्टर कहाँ से बन गए, डिग्री कहाँ से मिल गई, ID प्रूफ भी नहीं है और ये दवाइयाँ वगैरह भी रख रहे हैं, तो इनका कहना है ID प्रूफ नहीं। आप क्या कहते हो, ID प्रूफ होना चाहिए भैया? हाँ जी, होना सबके पास होना चाहिए। हाँ, होने, होने। अच्छा सर, कोई बात नहीं, ID प्रूफ कई बार नहीं होता। आइए सर, आइए, दवाइयाँ दिखाइए, आइए दवाइयाँ दिखाइए। ये वैद्य जी हैं, कहते हैं हमारे पुरखों का काम है और वही काम हम भी करते हैं। हम इनके अंदर चलेंगे, ये लाइव वीडियो है और थोड़ा सा अंदर चलेंगे, आप लोग जुड़े रहिए, शेयर भी करते रहिए। हम आ गए हैं दवा खाने के अंदर, जूता उतार दो। हाँ, दवा खाने के अंदर आ गए हैं, काली माता जी की मूर्ति लगी है, तो सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे काली माता को, और भी जितने देवी देवता हैं, थोड़ा पीछे जाइए, जितने भी देवी देवता हैं हम सबको नमस्ते करते हैं। अच्छा अवैध जी, बताइए दवाइयाँ कहाँ से लाए आप? ये पहाड़ी इलाकों से लाते हैं हम। हरी कोई पहचान है, कोई नाम है? हाँ नाम है, बताइए, एक एक करके नाम बताइए। ये तो जो है उठा के केसु का फूल है। हाँ केसु का फूल है,
अच्छा केशु का फूल है, फूल है ये तो गुलाब का लग रहा है, केशु का भी फूल है गुलाब का भी है, मिलावट है इसके अंदर, मिलावट कर दी हो, मिलावट है। अच्छा और बताइए एक एक करके बताइए, ये झाड़ी बूटी है, जड़ी बूटी क्या नाम है, झाली बूटी, झाली बूटी, झाली बूटी, इसमें नाम क्यों नहीं लिखते भाई साहब, मतलब झाली बूटी है, पहचान होती है हमको, पहचान होती है, पहचान होती है। कहाँ से लाए आप इसको, इसको लाते हैं हम ऋषिकेश हरिद्वार ऊपर से, ऋषिकेश से लाते हैं, ऐसे मिल जाती, कोई ट्रेडमार्क नहीं, कोई लेबल नहीं, कोई ये भी नहीं पता कहाँ से आपने खरीदी है, टैक्स दिया है कि नहीं दिया है सरकार को, जड़ी बूटियों पर टैक्स होता है, सब सरकार उस पर टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर हिसाब किताब देना पड़ता है। सफेद मूसली है, सफेद मूसली, हाँ जी पहचान। और बताइए, ये बड़का दूध है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो आपने लिख रखा है स्वपन दोष, स्त्री रोग, लिकोरिया, सफेद पानी, व्हाइट पानी, इसकी क्या इलाज करते हैं, ये हम अपने कूट पीस कर अपने पास से मिल देते हैं दवाई इनको। अच्छा, अपने पास से दे देते हैं, अपने पास से देते हैं। कहाँ से लोग आते हैं आपके पास, यहीं से आते हैं जहाँ पर ये बोर्ड पड़ जाते हैं, चले जाते बात करते हैं, हाँ। कि भाई जी हमारे बच्चे को ये परेशानी है, हमारी घरवाली को ये परेशानी है, तो भाई मगर हमारे पास से हमारे पास दवाई मिलती है। ये भी नहीं देखते कि डिग्री है आपके पास, कहाँ से आए हैं, कोई आईडी प्रूफ आपको, कुछ नहीं देखते, बस दवाई लेके चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा और बताइए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ये सफेद जीरा है, शाही जीरा है, हाँ और बताइए, सालम पंजा है, अच्छा अच्छा और बताएं, कोई ये पाउडर क्या है, कोकीन वगैरह तो नहीं है, दिखाइए क्या है, हाँ ये बड़का दूध है, ये तो पाउडर सा लग रहा है, हाँ बड़का दूध है, इस पे लिख दो ताकि वो पुलिस वगैरह वाले आए तो चेक करें ना, पता लगाएं ये क्या है, पाउडर है, इसकी सैंपलिंग भी करनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग, अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। और इधर क्या है, ये सब क्या है, ये क्या है, समुद्री झाग, समुद्री झाग क्या होता है, ये कहाँ से लाते हैं, ये पहाड़ी इलाकों से लाते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ भी मिल जाता है, मोल खरीद लेते हैं, पंसारी की दुकान है यहाँ पर, ये भी फूल है गुलाब, हाँ ये भी गुलाब का ही फूल है, ये भी गुलाब का फूल है, ये सनाई पत्ती की जड़ है, अच्छा अच्छा। कितने वर्षों से इलाज कर रहे हैं आप, ये हमारा तो जो है करीब 30-35 साल हमारी उम्र हो गया जब से इलाज कर रहे हैं, हमारे पहले दादा थे, क्या नाम था दादा, हमारे दादा का नाम मुकंदा, मुकंदा मुकंदा, और उनके दादा का नाम, उनका दादा का नाम लकड़गंगा, लकड़गंगा, लकड़गंगा सही सही बताओ, नहीं लकड़गंगा, लकड़गंगा, अच्छा अच्छा जी सर। तो आपने कोई पढ़ाई नहीं की, मतलब पहली से आठवीं तक भी पढ़ाई नहीं की आपने, नहीं नहीं, हमारे परदादा लकड़दादा पढ़े नहीं, कोई पढ़ाई, कोई नहीं, बचपन से यही सब देना, बचपन से हमारा हमारा खानदानी यही काम है, सिखाया होगा दादा ने, हाँ सिखाए थे, अच्छा अच्छा सिखाए थे, ये क्या लिखा है इसमें थोड़ा बताओ, ये तो और का है, हैं ये लिखा उर्दू में लिखा है, क्या लिखा है, क्या है थोड़ा पढ़ के बताओ, नहीं कागज है, नहीं पढ़ के तो बताओ, मतलब दुकानदारी के हिसाब से हिसाब का है, फिर तो पढ़ के रोजी के लिए, रोजी के लिए, नहीं क्या लिखा है ये तो बताओ, अरे ये ऊपर क्या लिखा, आपने देखो, देखो वैद्य जी आपने यहाँ पे लगा रखा है, इसका अर्थ तो पता होना चाहिए ना, मतलब ये रोजी के लिए, अर्थ बता तो रहा हूँ, मतलब ये रोजी के लिए, रोजी के लिए, रोजी के लिए, जैसे ग्राहक नहीं आते हैं, तो आपको अर्थ नहीं पता है फिर भी आपने लगा रखा है, रोजी के लिए, चलने के लिए होता है, रोजी चलने के लिए, समझ में तो आना चाहिए ना, किनके, आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, हिंदू हैं, तो उर्दू का लगा रखा है आपने, ये जैसे समझ में तो आना चाहिए ना, हिंदी में लिखवा लेते हैं इसको, उन्होंने कर दिया, नहीं उर्दू में कर दिया उन्होंने, किसने कर दिया, क्या नाम, उनका भैम सिंह नाम था, भैम सिंह, भैम सिंह, वो भी बहम सिंह है, हिंदू हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, हाँ उर्दू, उर्दू समझ में नहीं आ रहा, लोचा लग रहा है, अरे यार आपके समझ में, आप अपना नाम गलत तो नहीं बता रहे हैं, नहीं नहीं मुकेश नाम है, देखो सर जो नाम है वही बताइए, कोई मुकेश नाम है सर, है? मुकेश नाम है, मुकेश नाम है, उर्दू में आपने लिखवा रखा है, देवी देवताओं की मूर्तियां, ये सब ये हिंदू की है, अच्छा हिंदी उर्दू सब चल रहा है, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ न कुछ लेकर चलिए, पता तो चले, हम आपको आप मुझे दो दिन बाद दिखाइए, मैं चलो दिन बाद आऊंगा, ठीक है, 3 दिन के बाद, हाँ 2 दिन बाद जो है हम चक्कर मारेंगे, आप मंगा लीजिए, नहीं तो पुलिस छापा मारेगी, आईडी नहीं दिखा पाओगे आप तो पकड़ ले जाएगी आपको, फिर समझ रहे हो, आपको 2-3 दिन के बाद में, हाँ बगैर आईडी के नहीं चलना चाहिए, आजकल तो बहुत सिक्योरिटी टाइट है देश की, आपकी बात मानते हैं, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी आपके घर में और कौन कौन है, ये बेटी है, बेटा है, सबको लेकर यहीं पड़े हैं, आज हम तो अगर आई बाहर,
पत्नी वगैरह है? हाँ हाँ पत्नी वगैरह कहाँ गई वो? वो बाजार गई है। अच्छा ये बकरी वगैरह भी पाल रहे हैं? हाँ ये भी सब हमारा ही है। अच्छा सारा ताम झाम। खाना कैसे बनाते हो? खाना लकड़ पे बनाते हैं। अच्छा यहीं बना लेते? हाँ ही बना लेते हैं। अच्छा कितने दिन का प्रोग्राम है ये? ये हमारा जा हम तो जो धंधे के ऊपर बात होती है, धंधा चलता है तो रुक जाते हैं 3-4 महीना। कितने दिन हो गए यहाँ टेंट लगा? यहाँ तो मुझे हो गया कम से कम 3-3.5 महीने हो गया। 3 महीने से यहाँ पड़े हो? हाँ यहीं पड़े। और नगर निगम ने नहीं हटाया? अभी तो नहीं हटा। फरीदाबाद नगर निगम सफाई अभियान चला रही है, जहाँ भी ये रोड किनारे ऐसे कब्जे हुए पड़े हैं। पहले भी आया था जो आए थे ये सफाई उपाय। खर्चा पानी दिया? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तब कैसे नहीं हटाया? नहीं बोला था उन्होंने कि 1-2 दिन के लिए हटा लो। शहर में सफाई अभियान चल रहा है और आपका नहीं हटाया, 3 महीना हो गया? 3 महीने हो गया सर। चलो ठीक है, आप 2 दिन बाद आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड कुछ न कुछ जो है जरूर आप मंगा के रखिए, मैं फिर से चेक करूंगा। और बाकी इनका ये इलाज है, पता नहीं कौन से लोग इलाज कराने आते हैं और क्या इलाज कराते हैं। ये बीमारियां इन्होंने बहुत सारी लिख रखी हैं, सबका अनुभव है। कितने मरीजों को ठीक कर दिया आपने? सर हमारे पास तो जो ले जाता है वो ठीक ही होता है। ठीक ही होता है, लग भी जाता है, किसी को नहीं भी लगता है, ये लगने वाला बात होता है। चलो ठीक है भाई, सब जाओ आराम करो, खाओ पियो। ठीक है दोस्तों, हमने आपको दिखाया ये दवा खाना यहाँ पर बना है, 3 महीना हो गया है। 3 महीने से ये रोड के किनारे बिल्कुल लगा हुआ, देखिए 2 फीट की दूरी है यहाँ से वाहन गुजरते हैं, यहाँ पर दुर्घटना का भी चांस है। तो फरीदाबाद नगर निगम को देखना चाहिए। और इन भाई साहब से मैंने कहा आप ज़रूर अपना आईडी कार्ड। अच्छा बीबी जी हैं? अच्छा आओ मैडम। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम परवीना है। परवीना? हाँ। पति का क्या नाम है? मुकेश। अच्छा परवीना मुकेश। आप हिंदू हैं मुसलमान? हिंदू हैं। परवीना नाम है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, तो आप भी साथ में रहते हैं, खाना पीना बनाते होगे? हाँ। अच्छा आप भी दवाई देते हो कि नहीं? नहीं। आप नहीं जानते? घर वाले बोलो आपको भी सिखा दें जैसे दादा ने सिखा दिया है? हम सीख के क्या करेंगे? तो भाई आप नहीं रहोगे तो यही देंगी ना? अरे नहीं 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 भैया, हम जेंट्स ही देते हैं बस। अच्छा जेंट्स ही देते हैं, चलो बढ़िया है। आपके कितने परिवार में कितने लोग यहाँ पर हो? बस यही है ये परिवार। अच्छा पानी वानी का जुगाड़ कहाँ से करते हो? मोल लेते हैं सर, खरीदते हो? अच्छा टैंकर आता है, बाकी नल वल तो नहीं बना रखा है? अरे भैया कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, कई लोग बना लेते हैं। 3 महीना हो गया ना आपका? बिजली वगैरह कहाँ से? तो सर ये है कि हमें तो ज्यादा ज्यादा 2-3 महीने 4 महीने रहते हैं, घर के चले जाते हैं। बिजली वगैरह के जुगाड़ कैसे? नहीं नहीं बिजली से उससे चलाते हैं हम, इन्वर्टर से। अच्छा इन्वर्टर बैटरी वगैरह सारा जुगाड़ आप लेकर चलते हैं जहाँ भी आप रहते हैं? बैटरी कहाँ चार्ज करते हैं? ये टिकोना पार्क पे। अच्छा वहाँ ले जाते होंगे चार्ज करके? फिर से ले 100 रुपए लेते हैं सर। अच्छा, एक हफ्ता चल जाता है पूरा। अच्छा कितना कमा लेते हो आप दिन भर? अरे ये तो नसीब की बात है सर, 100 भी 200 भी 400 भी 500 भी, बस इतना कमा लेते। चलो ध्यान से दवाई दो, डिग्री विग्री नहीं है? ठीक है हाँ ठीक है। ये वैध है, कई लोग होते हैं जिनके दादा परदादा पुरखे करते आते हैं और वही जो है इनके परिवार वाले भी ये भी जो है करने लगे हैं, लेकिन ये 2 दिन बाद फिर से हम इनसे मिलेंगे। इनका आईडी जरूर देखेंगे क्योंकि आईडी होना चाहिए, हम कोई सीबीआई सीआईडी से नहीं लेकिन आईडी होना चाहिए। मीडिया से हैं तो मीडिया भी चेक करता है कि कौन कहां से आया है, कैंप कैसे लगा दिया, आईडी प्रूफ है या नहीं है, कोई डिग्री है या नहीं है। पूरी तैयारी के साथ इनको काम करना चाहिए। तो फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।